नमस्कार दोस्तों, धर्मस्य यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबके हृदय में विराजमान जो आत्मा रूपी परमात्मा सभी जीवों के स्वामी हैं और पूर्णतया स्वतंत्र हैं, यानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं, वही आत्मा सांसारिक भोग विलासों के आगे नतमस्तक हो जाए, यह कभी सत्य नहीं हो सकता। परंतु यही तो भगवान की माया है। जिस प्रकार जल में जब लहरें उठती हैं, तब अगर सूर्य का प्रतिबिंब उसमें दिख रहा हो तो वह सूर्य भी जल की लहरों के साथ डोलता सा प्रतीत होता है। परंतु वास्तविकता यही है कि सूर्य का हिलना डुलना दृष्टि भ्रम मात्र है, क्योंकि सूर्य तो जस के तस है, लहरों का प्रभाव तो उसके प्रतिबिंब मात्र पर है। उसी प्रकार इस शरीर के अभिमान में जीने वाले लोग उस सूर्य की परछाई की तरह इस शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, और जिस वास्तविक सूर्य आत्मा रूपी परमात्मा का वास उनके हृदय में है, उसकी तरफ नजर भी नहीं घुमाते। इसी कारण वे इस भ्रम रूपी संसार के धर्मों और कर्मों में उलझे रहते हैं। अब अगर वही लोग बिना किसी कामना से इंद्रियों को सांसारिक भोग विलासों से हटा लें और सबके साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थिर कर लें, ऐसा करने से उनके दूसरों से पाले सारे द्वेष कलेश समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने से सारे सांसारिक दुख भी समाप्त हो जाते हैं। फिर अगर मनुष्य के हृदय में भगवान के चरण कमल के सेवन का प्रेम उमड़ पड़े तो उस भक्त का तो कहना ही क्या।